हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। कोपा सोड अमेरिकन लीग का फिर से कोरिंथियंस और रेडबुल ब्रैगनिटो का मैच हो रहा है। ये इस महीने का तीसरा मैच है इन दोनों के बीच। पहला मैच हुआ था ब्राजीलियन सीरी ए लीग में, ठीक है, अगस्त के शुरुआत में। अगला मैच हुआ था 13-14 अगस्त को, आई थिंक, मेरे को याद नहीं है। और उसमें ब्रैगनिटो ने लॉस कर दिया था वो मैच, कोरिंथियंस जीत गई थी। एक मैच ड्रॉ हुआ था। तो ऐसा है कि ये मैच तो मतलब बिल्कुल रोज़ ही हो रहा है, मतलब इनका तो हर डेली देख रहा हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फिर इसलिए बता रहा हूँ कि सीधा क्लिक पर करके जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी इस मैच की बात करें तो कोरिंथियंस टीम इज़ अ गुड टीम। कोरिंथियंस एक वीक स्क्वाड को खिलाकर भी 2-1 से विवॉन कर गया वाला मैच, तो मेरे को बहुत हैरान कर, मतलब बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई भाई वो देख कर मेरे को। और ब्रैगनिटो की बात करें तो ब्रैगनिटो इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड खिलाने के बाद भी जीत नहीं पाया इनसे अब इस महीने। तो मैं चाहता हूँ ये इस महीने का तीसरा मैच इनके अगेंस्ट हो रहा है, तो यार कम से कम ब्रैगनिटो को 2-1 का स्कोर तो करना चाहिए यार। कोरिंथियंस को 2-1 क्यों करने दे रहे हो, खुद को 2-1 करो। तो मेरे हिसाब से आई एम विद ब्रैगनिटो। तो आगे चलते हैं, तो बात करें स्ट्राइकिंग की। स्ट्राइकिंग के अंदर मैं सबसे पहले लूँगा अपनी टीम में हुगो सोजा को, ठीक है। हुगो सोजा जो कि एक गोल कीपर है कोरिंथियंस टीम का, आपको पता है कि अगर मैं ब्रैगनिटो फेवर करता हूँ तो मैं इसको ही लूँगा। और ये सबको पता है कि मैंने इस मैच में ब्रैगनिटो का ही साथ देना है, क्योंकि ब्रैगनिटो कोरिंथियंस से अभी भी मेरे को तेज़ लग रही है। सो स्ट्राइकिंग पे चलते हैं सीधा। स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर यूरी अल्बर्टो कोरिंथियंस का एक मेन प्लेयर था जो लास्ट मैच नहीं खेला था, सुनो बड़े ध्यान से। उसके बाद रोमेरो नहीं खेला था, दो मेन प्लेयर खेले नहीं तब भी जीत गई टीम, जिसमें से पी रोल का एक आध गोल आया था और एक पता नहीं किसी मिडफील्डर का था, इसी का था, गियोवेन का, सॉरी, ठीक है। तो ऐसा है कि दोनों को तो मैं लूँगा नहीं, आई एम गोइंग विद पी रॉल इंस्टेड ऑफ यूरी। अगर यूरी खेला तो मज़ा ही अलग आएगा, नहीं खेल रहा तब तक मैं उसे ले रहा हूँ। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में बॉर्बस की हुई वापसी, तो बॉर्बस का चलने का चांस है। पिछले मैच में 14 अगस्त को ये बंदा सब्स्टिट्यूट था, फिर भी गोल नहीं आया क्योंकि 45 मिनट्स खेला था, मुझे ये बात थोड़ी बुरी लगी। और आगे अगर बात करूँ तो यहाँ पर और भी प्लेयर है जो साशा वगैरह खेल सकता है, लेकिन मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करने वाला। और मिडफील्डिंग की बात करें तो टी मैग्नो, ठीक है, टी मैग्नो के बाद गैरो लोग रैनियल कर रहे हैं। मेरे भाई रैनियल ने आपको कुछ नहीं देना भाई, रैनियल एक नॉर्मल सा पॉइंट गिवर प्लेयर है जो थोड़े बहुत पॉइंट आपको दे देता है, जिससे आप कई बार जीते भी होंगे। तो बट रैनियल का कोई काम नहीं है भाई इस मैच में, नहीं तो मैं ज़रूर इसका नाम लेता। और ऑपोजिशन टीम में मैं हेलिनो को लूँगा, एवंगलिस्टा को ना लेकर आई एम गोइंग विद लिंकॉलिन। ये चल नहीं रहा, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, लिंकॉलिन इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेयर। इसका चलना हर मैच में लगभग 50-60% तय रहता है, तब भी ये प्लेयर 2-3 मैच में लग रेगुलर जो फ्लॉप हुआ है उसके पीछे का रीज़न हो सकता है आउट ऑफ फॉर्म, बट इन फॉर्म जल्दी आएगी। और डिफेंडिंग सेक्शन की बात करूँ तो कैंडिडो, ठीक है, कापिस्काबा खिलाया नहीं था इन्होंने, तो उसकी जगह मैंडिस खेला था, ठीक है। एंड मैंडिस के बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने एक और इनका प्लेयर है नैथन मैंडिस, और इसको मैं ज़रूर लूँगा क्योंकि ये फोर्थ डिफेंडिंग कर रहा है। और ऑपोजिशन टीम में फ्रेंका टोर्स अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बट रोमेलो इज़ नेक्स्ट लेवल। रोमेलो खेला तो मज़ा आ जाएगा, अगर आज भी नहीं खेला फिर तो मेरे भाई मुझे घूम फिरा कर एफ टोर्स पे आना पड़ेगा। एंड गोलकीपिंग सेक्शन में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ किसे लेना है। तो कप्तान की अगर बात करें तो मेरा जो कैप्टन है वो है बॉर्बस, देखो भाई बॉर्बस को ही रखो। और वाइस कैप्टन में ऐसा है कि लोग मैग्नो को कहीं प्रेफर करेंगे, देखो मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मन में ये है ना कि मन में ब्रैगनिटो बस चुकी है, तो आई एम वाइस कैप्टन, मैं जूनियर के साथ ही जाऊंगा। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।